2024 के एग्जाम को देने वाले विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जेईटी 2024 की पूरी इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो आपके साथ में अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी और जेईटी 2024 के एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपके नए रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं उनको भी अच्छे से डिस्कस करके हर चीज को आपको समझाया जाएगा। इस वीडियो में हम जेईटी 2024 फॉर्म को भरते समय किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, कितनी आपकी फॉर्म फीस है, कौन कौन से बच्चे इसके लिए इलिजिबल है, कौन कौन से सब्जेक्ट ग्रुप से आपको पेपर देने हैं, क्या इसकी एज लिमिट है, बहुत सारे तमाम प्रकार के जितने भी जो सवाल है और सबसे इंपॉर्टेंट इस बार का थोड़ा एग्जाम पैटर्न है वो चेंज किया है वो भी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। वीडियो पूरा ध्यान से देखना, उसके बाद में आपका कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। कमेंट सब बच्चों को करना है ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा सभी बच्चों तक पहुंच जाए और प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जेईटी 2024 से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी मिस ना हो। सबसे पहले बच्चों आपको करना क्या है, जेईटी एयूजे 2024 की ऑफिशियली वेबसाइट पे विजिट करना है, किसी भी दूसरी वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑफिशियली वेबसाइट का पता होना चाहिए, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ देखो एक आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो कॉन्टेक्ट अस के लिए दे रखा है तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट अलर्ट्स आ रहे हैं वो यहाँ पर देखो दे रखे हैं और जो गाइडलाइन आई है जेट प्रीपीजी और पीएसडी वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जेट यूजी के बच्चों के लिए हम गाइडलाइन खोलते हैं और इसमें जो पीडीएफ दे रखी है इनमें क्या क्या इस बार रूल चेंज हुए हैं उनको लेके इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा ध्यान से देखना अगर जेईटी 2024 का पेपर दे रहे हो तो। पहली बात बोल रहा हूँ, कोई भी वीडियो को अधूरा मत देखे, आधा ज्ञान आपको पता है कितना काम आता है, तो भाई वीडियो जब तक पूरा नहीं देखोगे तब तक ना तो चीजों को समझ पाओगे और ना ही कुछ कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सब बच्चों के लिए, कान खोल के सुन लेना कि आप छोटी छोटी जो गलतियां कर रहे हो ना ये आगे जाके आपको एडमिशन लेने से रोकेगी, तब आपको पता चलेगा कि इन चीजों की कितनी अहमियत है और हर चीज की सावधानी बरतनी क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले बता दूं जेईटी राजस्थान लेवल का एक एंट्रेंस एग्जाम है जो एग्रीकल्चर और उनके एलियड कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए हर साल एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। ये एग्जाम बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिस, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंसेज एंड होम साइंसेज, बीएपीएससी फिशरीज साइंसेज, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी जैसे कोर्सों के लिए होता है। इस बार ये एग्जाम जोधपुर यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा रही है। ये एग्जाम आपका 2 जून को कंडक्ट होगा और इनके ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो आपका 14 मार्च से लगाकर 15 अप्रैल तक फिल किए जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म कल रिलीज होंगे, कल रिलीज होते ही मैं प्रॉपरली वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। इस वीडियो में बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो लंबा होगा, 15-20 मिनट पूरे कान खोल के चीजों को समझना, कोई भी दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं पूछ लेना, प्लीज गलती मत करना, हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपके पास में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या आपके पास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे पहले सब बच्चों के पास में www.jeetauj2024.com वेबसाइट पे विजिट करना है और उसके ऊपर आपको फॉर्म फिल करना है। किसी बच्चे को जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि 10 बजे आपका फॉर्म भरना शुरू हुआ और आप 11 बजे फॉर्म भरने बैठ गए, नहीं बच्चों कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी हर चीज का सॉल्यूशन करके दूंगा, हर चीज आप लास्ट ईयर भी देख सकते हो, मैंने आपको फॉर्म फिल करके बताया था, काउंसलिंग टाइम में आपको सारी चीजें बताई थी, एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। तो यार बिलीव करो, लास्ट 2-3 साल से जेट के बच्चों के साथ में काम कर रहा हूं तो तुम्हारी गलतियों से तो सुधारना मेरा काम है और हर गलती को बचाना ही मेरा काम है। तो देखो आपको ये पता होना चाहिए ये यूनिवर्सिटी है, मतलब कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे राजस्थान में, एक आपका एमपीयूटी हो गया, एसकेएनयू जोबनेर हो गया, एसकेआरयू बीकानेर हो गया, एयू जोधपुर, एयू कोटा, 5 यूनिवर्सिटी है। उनमें जितने भी जो अलग अलग गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज है उनमें एडमिशन होता है, वो बाद की बात है, काउंसलिंग टाइम में सारी चीजें समझा दूंगा, ठीक है। अब चीज ध्यान क्या रखना है,
कि आपका नाम क्या है, फॉर्म भरते टाइम में अपना नाम लिखो, पिता का नाम लिखो, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका श्रेणी और उपश्रेणी, ठीक है। उसके बाद में आपका डोमिसाइल, मूलधन, मानदंड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर बच्चों बहुत ध्यान से फिल करना है, वो कल चीजें मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। पासवर्ड कैसे बनाना है, क्या करना है, ये चीजें बता देंगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन फॉर्म का फीस है वो 1500 रुपए तक आएगा, लास्ट ईयर आपका 1400 रुपए था, इस बार 1600 रुपए कर दिए हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि ये फॉर्म फीस, लास्ट ईयर का एक रूल था जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम फॉर्म फीस कम कर रहे हैं, लेकिन हर ईयर 10% बोला था शायद, मेरे को जहां तक याद है, या 100 रुपए ऐसा कुछ बोल के उन्होंने बोला था कि हम हर ईयर बढ़ाएंगे, लेकिन इस बार जो बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, उनके लिए 1600 रुपए प्लस बैंक चार्ज, बैंक चार्ज आपका कितना लग रहा है, 50 रुपए, 60 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, जो भी आप बैंक चार्ज लग रहे हैं, जिससे भी आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई, उसके बाद में ये बोल रहा है कि फिजिकल हैंडीकैप के जो भी बच्चे हैं या फिर एससी एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए ये आपका चार्ज है वो 1300 रुपए है, ठीक है, ये चीज ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद में आपको एडमिशन लेने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो प्रवेश देखो, यदि किसी कारणवश किसी अयोग्य अभ्यर्थी को प्रवेश दे दिया जाता है तो पता चलते तो उसके आवंटन अथवा प्रवेश को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। इसकी इस बात का मतलब ये है कि अगर आपकी जगह कोई डमी कैंडिडेट बैठ गया या फिर आपने किसी और स्टूडेंट को बोल दिया कि तू भाई मेरा एग्जाम दे के आ जा, मैं तो कैसे जाके कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा, तो बेटा उस कंडीशन में आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा और हो सकता है कि आपके ऊपर जो भी कानून कार्रवाई है वो की जाएगी। तो ऐसा किसी बच्चे को नहीं करना, अपनी ईमानदारी के साथ में काम करना, क्योंकि बीएससी जी एक ऐसा डिग्री है, बीएससी ऑनर्स में जब भी आप जाओगे ना तो बेटा बिना पढ़े पार नहीं होंगे, और जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, एक लाइन कही गई है कि बिना तख्तों के कोई ताज नहीं होता, बिना मेहनत के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े पत्थर पर हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो ये चीज ध्यान रखना, मेहनत आपको ही करना है, पेपर आपको ही देना है। अब काफी बच्चे सोच रहे हैं कौन से सब्जेक्ट ग्रुप से पेपर दे रहे हैं, तो आपके पास में चाहे 12th में एबीसी हो, चाहे पीसीएम हो, चाहे पीसीबी हो, चाहे पीसीएमबी हो, चाहे पीसी हो, कोई भी सब्जेक्ट ग्रुप हो, आप एडमिशन मतलब फॉर्म फिल कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट ग्रुप से आप पेपर दे सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर बताई गई है कि बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए 12th में पीसीएम होना कंपलसरी है। जो बच्चे 12th मैथ से करके आते हैं और पेपर एबीसी से देते हैं तो वो बच्चे इलिजिबल नहीं है, जिन्होंने 12th मैथ से की है पेपर भी पीसीएम से देंगे तब जाकर वो डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी के लिए इलिजिबल रहेंगे, ओके। उसके बाद में यहाँ सीधी लाइन लिखी है, कैंडिडेट विथ सीनियर सेकेंडरी आर्ट्स एंड कॉमर्स स्ट्रीम आर नॉट इलिजिबल फॉर जेईटी एग्जामिनेशन। जेईटी के एग्जाम में ओनली साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट ही इलिजिबल है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। विथ 50% मार्क्स, कम से कम 12वीं में 50% मार्क होने चाहिए। अगर आपके 50% से कम मार्क्स है, एससी एसटी कैटेगरी को 5% का रिजर्वेशन मिलता है, बाकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपके 12th में 50% से कम मार्क्स है और आपकी एज 1/1/2024 तक 16 साल से 25 साल के बीच में नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर जेईटी 2024 एग्जामिनेशन, ओके। ये चीज ध्यान रखना कि आपका एज 16 साल से 25 साल के बीच में होना चाहिए, कब से, 1/1/2024, अगर इससे कम अगर आपका एज है तो आप एलिजिबल नहीं है। लास्ट ईयर ये जेट का मानदंड नहीं था, लेकिन इस बार से ये चीज आपकी बना दी गई है, तो सब बच्चों को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में मूल निवास मानदंड और आवासीय आवश्यकता क्या क्या है आपके पास में, देखो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सारी सर्टिफिकेट्स हैं वो होने चाहिए, आपको काउंसलिंग के टाइम में सारी चीजें होनी चाहिए, ये चीजें बाद में बता दूंगा, लेकिन आपके पास में 10th 12th के मार्कशीट है, आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए, उसके बेस पे पूरा आपका काम होगा, 10th के मार्कशीट के बेस पे आपको सारा फॉर्म फिल करना है, फॉर्म मैं कल फिल करके आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद में प्रवेश एवं पंजीकरण के समय अभ्यर्थी द्वारा जमा करवाए गए साथ में उपरोक्त दस्तावेजों और सोर्स तीन तीन फोटोकॉपी उपस्थित, मतलब जब काउंसलिंग करवाओगे उस टाइम तीन तीन फोटोकॉपी आपके पास में होनी चाहिए। किसको कितना रिजर्वेशन मिल रहा है, देखो जो भी बच्चे रिजर्वेशन के बारे में सोच रहे हैं उनको बता दूं, डिफेंस में आपको रिजर्वेशन मिलेगा, ये आपका डिफेंस सर्टिफिकेट कैसे भरना है, क्या फिल करना है, वो चीजें मैं आपको बता दूंगा। डिफेंस में आपको मिलेगा कौन कौन सी, देखो सबकी अलग अलग प्रायोरिटी है, ठीक है, आपको प्राथमिकता दी गई है कि प्राथमिकता फर्स्ट में कौन से बच्चे आएंगे, प्राथमिकता सेकंड में कौन से बच्चे आएंगे, प्राथमिकता थर्ड में कौन से आएंगे, फोर्थ में कौन से आएंगे, फिफ्थ में कौन से आएंगे, आप देख सकते हैं सिक्स्थ में, सेवन्थ में, साथ आपको प्राथमिकता दे रही है, इनमें आप किस में इलिजिबल है, ये चीज ध्यान रखना सब बच्चे। मान लो
कि किसी के पिताजी की डेथ हो चुकी है, किसी की मम्मी नहीं है, ठीक है, या मतलब मम्मी वो अलग केस हो गया, मैं डिफेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए क्या है कि उसकी प्राथमिकता फर्स्ट मिलेगी, यानी कि उन बच्चों को मान लो कि नॉर्मल बच्चे का सिलेक्शन 250 नंबर पर हो रहा है, और जिन बच्चों जो बच्चे प्योरिटी 7 में आ रहे हैं प्राथमिकता 7 में, उनका सिलेक्शन 200 पे हो रहा है, तो जो प्राथमिकता फर्स्ट में आने वाले बच्चों का सिलेक्शन 100 नंबर पे भी होता है। ये चीज मतलब होता है इनका, आपको रिजर्वेशन का फायदा ये है, ठीक है बच्चों। उसके बाद 7th 8th 9th सॉरी 9th तक दे रखा है, तो 9th प्राथमिकता आपको दे रखी है, तो इन सब बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, और जो भी जिससे बिलोंग करते हैं उनको पता कर लेना चाहिए, और उनके पास में उनके पिताजी का सर्टिफिकेट है वो सब बच्चों के पास में होना चाहिए। ओके, देन हम बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। तो आपको जेटी के ऑफिशियली वेबसाइट पे जाना है, वो मैं कल आपको फॉर्म फिल करके दिखा दूंगा, किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, देन उसके बाद में आपको क्या बोल रहा है कि आपका फोटो होना चाहिए, उसके बाद में आपका हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर एंड राइट हैंड थंब इंप्रेशन, आपके दाएं अंगूठे का निशान होना चाहिए। ये चीज सब बच्चों को ध्यान रखना है, क्योंकि जब जाओगे तो आपका वहां अंगूठा लगवाए जाएंगे, उस टाइम आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। आपने लेफ्ट लगा दिया तो वहां काम नहीं चलेगा, आप वहां राइट लेफ्ट थोड़ा कॉम्बिनेशन देखना, ये चीज जो बताई गई है, ठीक है। उसके बाद में आपको फॉर्म फीस बता दी गई है, कितने फॉर्म फीस लगनी है, और ई मित्र या कोचिंग संस्थान या किसी अन्य एजेंसी आदि के खातों में, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ई मित्र से या फिर जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनसे आपको पेमेंट नहीं करना है, पेमेंट अपने अकाउंट से करना है, ये सब बच्चों को ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद में आपको आवेदन पत्र को प्रिंट करवा लेना है, ये चीजें कल बताऊंगा जब मैं फॉर्म फिल करूंगा तब। पहले आपका एग्जाम है, इस बार चेंज कर दिया गया है। अब पैटर्न चेंज कैसे है, आपका एग्जाम सुबह 11 बजे से 1:10 पर है, तो सर एग्जाम तो 2 घंटे का ही होता है, ये 10 मिनट ऊपर क्यों दे रहे हैं। तो बच्चों लास्ट ईयर तक आपके पास में ऑप्शन आते थे ABCD, लेकिन इस बार जैसा सुपरवाइजर में आपने देखा था ABCDE 5 ऑप्शन दिए हैं, जो बच्चा कोई भी क्वेश्चन उसको नहीं आता है, तो पिछली बार तो क्या होता, जो नहीं आता वो छोड़ दो, लेकिन इस बार में उन जिन बच्चों को जो क्वेश्चन नहीं आते उनको ई ऑप्शन फिल करना है, और ई ऑप्शन फिल करने के आपके मार्क्स हैं वो नेगेटिव नहीं होंगे। अगर आप 10 से ज्यादा क्वेश्चन छोड़ दोगे उस कंडीशन में आप एग्जाम से ही बाहर हो जाओगे, आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखना। हालांकि ये चीज मैं बाद में आपको और समझा दूंगा, पहले ये रूल्स एंड रेगुलेशन है एग्जाम हॉल में जाने के टाइम, तो ये तो एग्जाम के टाइम हम जानेंगे, अभी जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब बच्चों के पास में पता, ओमार बेस पे आपका पेपर होगा, ये यहाँ दे रखा है कि ओमार के रूल क्या है, ठीक है। तो ओमार को आपको ध्यान में रखते हुए अपने पेपर को देना है, और ये लिखा है ABCD और D यहाँ लिखा है, तो उसे संबंधित वर्ग ई काला करना होगा, प्रत्येक सही उत्तर में 4 अंक और गलत में एक नेगेटिव अंक आपको दिया जाएगा। ओके, उसके बाद में आपकी इलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इस प्रवेश परीक्षा में शून्य अथवा नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले काउंसलिंग पर मतलब आपके नेगेटिव या फिर 0 मार्क्स होंगे तो आप काउंसलिंग के लिए इलिजिबल नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम आपके 5,000 रुपये जब काउंसलिंग का है, ये काउंसलिंग का चार्ज है, तो इसमें देखने की जरूरत नहीं है, काउंसलिंग टाइम में सारी चीजें बता दूंगा, ये तो मास्टर बन चुके हैं काउंसलिंग के, तो ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें जब तक आपके साथ एशियल ग्रुप है, डोंट फ्री, किसी को टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। हाँ, अब जिन बच्चों को जो प्रायोरिटी मिल रही है, सर्टिफिकेट है वो डिफेंस वालों के, ये सबके सर्टिफिकेट दे रखे हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से अपने सर्टिफिकेट को, और अपने फोटो फादर्स के फोटो वगैरह लगवा कर पूरा सिग्नेचर करवा के आपको फिल करना है, ठीक है। ये सब बच्चों को पता होना चाहिए क्या क्या आपको करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ओके, डन, ये देख सकते हैं आप सारे, ये मैं आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अब ये सिलेबस दे रखा है, तो बच्चों सिलेबस के लिए मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो जेईटी के बच्चों के लिए हिंदी में क्रिएट किया है, और वो सिलेबस का वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह मिलेगा, वहां जाके उस वीडियो को जरूर देखना अगर आप जेईटी 2024 की सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैंने चीजें बताई है आप अच्छे से समझ गए हैं। मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जल्दी जब भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा सबसे पहले मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। तो हाँ, एक चीज और दिखा देता हूँ, एग्जाम है वो आपका 2 को होगा, फॉर्म 15 तक भर सकते हैं, रिजल्ट आपका 19 को आएगा, ठीक है, बाकी चीजें बाद में देखी जाएगी, ठीक है।
तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, और कुछ भी समझ में नहीं आया तो बेटा डोंट फ्री, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कमेंट बॉक्स और मोबाइल नंबर नीचे दे रखे, ठीक है। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बी एच यू के साथ। थैंक यू वेरी मच।